वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन लग्जेटिव में जो ड्रग्स का नाम है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल बोलते हैं। क्या? अरंडी का तेल बोलते हैं। गांव की भाषा में आप समझते होंगे, गांव की भाषा में ज्यादा रीढ़ का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ का या रेड़ का तेल। क्या? रेड़ का तेल। आप कभी कभी देखते हैं हम लोग गांव में क्या होता है कि ये इसका पेड़ अक्सर पाया जाता है। हम लोग को क्या होता है बचपना, क्या होता है रेड़ का तेल करके हम लोग यहाँ पे पाम पर क्या करते थे, भिड़ाते थे, खेलते थे, है ना। तो यहाँ पर हम वही उसी को बोलते हैं कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल। एक जनरलाइज भाषा या गांव के या रूरल एरियाज की भाषा में बोलते हैं रीढ़ का तेल या रेड़ का तेल बोलते हैं। क्या? रेड़ का तेल बोलते हैं। आगे चलते हैं इनका सिनोनिम्स, इनका समानार्थी नाम क्या होता है। तो इन्हीं को कैस्टर ऑयल को पाम ऑयल कहते हैं। क्या? पाम ऑयल कहते हैं, कैस्टर ऑयल कहते हैं। कैस्टर ऑयल के बाद कैस्टर सीड भी बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं अरंडी का बीज बोलेंगे। और या इसी को क्या बोलते हैं रेनिसिनस ऑयल। क्या? क्या? रेनिसिसस ऑयल। क्या? रेनिसिसस ऑयल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा। इसको ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं सूखी हुई बीज से। कहां? सूखी हुई बीज से। उसका सीड मतलब पूरा राइप सीड होना चाहिए। रेड़ का तेल देखेंगे गांव में तो क्या होता है, उसका बीज होता है, ठीक है। बीज तो सीड्स को हम लोग क्या करते थे, खेलते थे यहाँ पे पाम पर रख करके, ठीक है, बचपना में। तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या, रिसिनस कम्युनिसलिन। क्या? रिसिनस कम्युनिस लिन, रिसिनस कम्युनिस लिन बोला जाता है। तो क्या होता है, कहां से कपास के सूस कैस्टर ऑयल आरएनडी का तेल ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम सूखी बीज से। क्या? सूखी बीज से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल सोर्स रिसिनस कम्युनिस। क्या नाम है? रिसिनस कम्युनिस लिन। ओके, फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली क्या होता है, U4BSE फैमिली होती है, U4BSE फैमिली होती है। आगे चलते हैं, चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या पाया जाए, क्या रासायनिक घटक इसमें होंगे। तो इस जो हमारा कैस्टर सीड होता है, जो हमारा अरंडी का बीज होता है, अरंडी का बीज जो कंटेन करता है, सम्मिलित करता है, कंटेन जो कंटेन करता है, ये कर्नेल 75% कर्नेल कंटेन करता है और हुल 25% कंटेन करता है। किसमें कंटेन करता है? अरंडी के बीज में, कैस्टर सीड में। कहां पे? कैस्टर सीड में कंटेन करता है कर्नेल 75% और हुल को 25%। और अगला जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा जिसका नाम है रिसिनिलोइक एसिड, रिसिनिलोइक एसिड होता है। और इसका जो आपका कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है थेरेप्यूटिक एफिकेसी होती है, जो महत्व होती है, जो चिकित्सा के महत्व होती है। तो यहां पे जो इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, लुब्रिकेशन में, किसी भी मलाशय को लुब्रिकेट करने का काम होता है, लुब्रिकेट चिकना बनाने का काम करता है। और ये कंट्रासेप्टिव क्रीम में भी इनका कैस्टर ऑयल को यूज किया जाता है, ठीक है, कंट्रासेप्टिव क्रीम में बनाने में, गर्भ निरोधक क्रीम में बनाने में यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसको कॉन्स्टिपेशन, कोई कब्ज किसी को हो गया हो तो वहां पर यूज किया जाता है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको इजी ट्रिक बनाते हैं, कैसे रटेंगे, कैसे याद करेंगे। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को गांव की तरफ लेके चलते हैं। तो जो रेड़ का तेल होता है, रेड़ का तेल जिसे पाम तेल कहते हैं, या जो रेड़ होता है गांव में आम भाषा में बोलते हैं रेड़, तो रीन, कभी कभी रीड़ या रेड़। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स याद करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, पाम जिसे बोला जाता है या कैस्टर सीड बोला जाता है, रीन, रेड़ का तेल या रीन का तेल। तो उसी को देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसी को रेनिसिसस ऑयल, क्या, रिसिनिस ऑयल कहेंगे। तो जो रीन हम ले थे गांव की भाषा में, तो देखेंगे ये रीन तो ये हो जाएगा रिसिनस कम्युनिस। उसके बाद क्या करते, जब हम लोग पाम पे लड़ाते थे तो फोड़ते थे, अगर फोड़ देते थे तो हम लोग कहते थे आपकी जो जो आपका रीढ़ है वो आपका बेकार हो गया है, आपको फूट गया है, तो हम जीत गए, ऐसा गांव में अक्सर होता है। तो फूटना, जैसे जब फूट जाएगा तो क्या कहते हैं कि वो कहेगा हम विन हो गए, हम जीत गए। तो ये फोड़ना मतलब अगर फूटेगा तभी तो ऑयल मिलेगा। अगर रीन का तेल, अरंडी का तेल अगर फूटेगा, उसकी जो सीड उसको टूटेगा तभी ना उसमें से ऑयल कुछ निकलेगा, तभी ऑयल मिलेगा। तो जो तोड़ेंगे, फोड़ेंगे उसको, रीड के तेल को मतलब अरंडी के बीच में जो फोड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं फोड़ना। तो क्या होगा, U4, ये देखेंगे फोड़ना क्या हो जाएगा, U4BSE फैमिली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, U4BSE फैमिली हो जाएगी।
तो ये रहा है कुछ इसी तरीके से इसका ट्रिक्स हम लोग अपनाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।